Hello guys, I am your friend Jagishini and I welcome you all to my YouTube channel J4China. Guys, thanks a lot for your love and support, and please, those who are very new to my channel, do subscribe it. Subscribe kar do na yaar, aur apke pyar aise hi mere saath rakho. I really need it. So, topic to aapko pata chal hi gaya hai. It is all about my top 10 nude lipstick. और ये सारी लड़कियों की फेवरेट टॉपिक है लिपस्टिक. मेरी भी फेवरेट है. मुझे लिपस्टिक कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. लगाना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन कलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई गेस आप लोगों को भी लगता होगा. सो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी टॉप 10 लिपस्टिक्स दिखाने वाली हूँ, न्यूड लिपस्टिक्स. सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज, मैं ये ब्लॉग चालू करने से पहले आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी. कि आपको लग रहा होगा मेरे पास सारे एक्सपेंसिव लिपस्टिक हैं, ऐसा नहीं है. एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास कुछ पॉकेट फ्रेंडली लिपस्टिक्स भी हैं. मैं लिपस्टिक कलेक्ट करना पसंद करती हूँ, इसलिए डिफरेंट ब्रांड्स का लिपस्टिक ट्राई करती रहती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि 200-300 वाले मेरे लिए कुछ भी नहीं है. मेरे लिए वो भी मैटर करते हैं. और मेरे पास इस कलेक्शन में भी मेरे पास बहुत सारे वैसे लिपस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली डेफिनेटली होगा. मेरे लिए जो मैटर करता है वो है कितने घंटे लिपस्टिक्स रहते हैं लिप्स में. आप खाना खाओ, जो करो, अगर आप एक बहुत कॉस्टली लिपस्टिक लिए हो लेकिन वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो फिर उसका कुछ इम्पॉर्टेंस ही नहीं है मुझे लगता है. लेकिन आप एक कम पैसे में लिए हो लिपस्टिक और वो बहुत देर तक चलती है, आपको रीअप्लाई बार बार नहीं करना पड़ता है, देन दैट इज़ गुड मुझे लगता है. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, माई 10th फेवरेट न्यूड लिपस्टिक. सो फ्रेंड्स, दिस इज माई 10th बेस्ट न्यूड लिपस्टिक. दिस इज फ्रॉम Estée Lauder. मैं आपको इसकी कलर दिखा देती हूँ. पहले देखिए, बहुत प्रिटी है और बहुत ही ज़्यादा न्यूड है मेरी स्किन के लिए. लेट मी शो यू. आप देख सकते हैं इसकी कलर बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी भी है. सो कमिंग टू दिस लिपस्टिक, मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं है. जैसे मैंने बताया नहीं, मेरी स्किन के साथ पूरा मतलब मैच हो जाता है या फिर मेरी लिप्स को ज़्यादा डल कर देता है, और उसके साथ ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है. हार्डली 2-3 आवर्स, लेकिन आप कुछ खा लो उसके बाद वो पूरा गायब हो जाता है, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. सो इसे मैंने अराउंड 3300 में लिया था, और 3300 में अगर ऐसा रिजल्ट है तो फिर आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. बट ठीक है, ले लिया है, यूज़ भी करना है. एक साल हो गया मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है इसे, लेकिन यूज़ करना है. तो इसे मैं मिक्स मैच करके दूसरे कलर के साथ लगाती हूँ, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई मैं नहीं कर सकती हूँ. सो कमिंग टू माई 9th बेस्ट न्यूड लिपस्टिक इज दिस फ्रॉम रेवलॉन, एंड द नेम इज अल्ट्रा HD लिप जेल लिप कलर एंड HD सैंड. ओके, इसे मैंने लिया था 899 में, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, इसका मैं बताती हूँ कैसा है ये कलर. सी, चॉकलेट कलर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूड है अगेन मेरी लिप्स के लिए. आई विल शो यू द कलर. सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, लेकिन अगेन मेरी लिप्स के लिए बहुत डल है. गाइज, इसका भी वही सेम प्रॉब्लम है जो अभी Estée Lauder का था. ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है, आपको बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा, एंड आप अगर कुछ भी खाना खा लो उसके बाद ये पूरा गायब हो जाएगा आपके लिप्स से.
और दूसरा है कि ये ग्लॉसी है, ये ऑयली लुक देगा, उतना ज़्यादा वो मैटिफाइंग नहीं है, इसलिए ज़्यादा देर रहेगा नहीं। और 899 रुपीज़ आप खर्च कर रहे हो इसके पीछे, तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी कि इसे लेना है या नहीं। मैं ले ली हूँ, ज़्यादा यूज़ की नहीं हूँ, और किसी के साथ भी मिक्स मैच करके ही लगाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये मेरी 9 नंबर वाला न्यूड लिपस्टिक है। सो दिस इज़ माई नंबर 8 न्यूड लिपस्टिक फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। तो मैं आपको इसकी कलर दिखा देती हूँ, देखिए दिस वन। इसकी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन द सेम थिंग ज़्यादा दिखता नहीं है, मैट है, फिर भी उस एक्सपेक्ट भी आप 300 रुपये में क्या कर सकते हो। जितना है अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे लिए जो मैटर करता है कि लिप्स में रहे 6-7 घंटे तक, वो ये फुलफिल नहीं करता। दैट्स वाई ये नंबर 8 में है मेरे लिए। सो कमिंग टू नंबर 7, और इसके बाद में आपको जो भी दिखाने वाली हूँ वो सब मेरे फेवरेट्स हैं, इसलिए मुझे सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सा 7th, कौन सा 6th, 5th ऐसे में रखूँ, लेकिन ठीक है। इसके बाद जो भी है मुझे अच्छा लगता है लिपस्टिक्स, वो मैं यूज़ करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। सो दिस इज़ माई 7th लिपस्टिक, जो कि ऑलमोस्ट उसे शार्प करना पड़ेगा। दिस इज़ फ्रॉम कलर बार टेक मी एज आई एम लिप कलर एक्सप्रेसिव पीच 017 इसकी नंबर है। अच्छा लगता है, इसकी कलर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। सो लेट मी शो यू सी द कलर। यहाँ पे ब्राइट लगता है, लेकिन लिप्स में लगाने के बाद वो पीची कलर लगता है। दिस इज अ पीची न्यूड कलर। सो इसे मैंने लिया था अराउंड 550 में। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक, लाइक पीच कलर में, पीची न्यूड कलर में ये लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा यूज नहीं की हूँ, लेकिन जब भी मन करता है मैं इसे यूज करती हूँ। बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं तो इसलिए शायद मेरे लिपस्टिक्स ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। सो कमिंग टू माई 6th न्यूड लिपस्टिक, एंड दिस इज फ्रॉम शैम्बर, और इसे भी मैंने लिया था ऑलमोस्ट 800 या 700 ऐसा कुछ, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लिपस्टिक की लिंक्स दे दूंगी, आप देख लेना। और इसका मैं कलर दिखाती हूँ पहले। दिस इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल पीची कलर, बहुत ही अच्छा, इसकी शाइनिंग एंड ऑल मुझे ये बहुत पसंद है। आपको इसकी टेक्सचर भी दिखाती हूँ, सी ये है, बहुत प्रिटी है, ग्लॉसी है। एज आई सेड कि मेरी अभी की जो भी रेंज है वो सारे मेरे फेवरेट्स हैं, और मैं इसे रेगुलर बेसिस में यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर देख सकते हैं 1 साल में मैं ऑलमोस्ट ये वाला कलर बार वाला ये सब एक ही साथ ली थी, रेवलॉन ये सब मैंने एक ही साथ लिया था, फिर भी अभी तक बहुत बचा है। इसके बावजूद भी मैं बहुत सारे लिपस्टिक्स खरीदती रहती हूँ। सो गाइज कमिंग टू माई बेस्ट 5th न्यूड लिपस्टिक, एंड दिस इज माई बेस्ट 5th न्यूड लिपस्टिक फ्रॉम नायका, मॉल्टेड मैट लिप एंड चिक कलर कैरियर 02। इसकी कलर मैं दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही प्रिटी न्यूड कलर है। पहले थोड़ा ग्लॉसी लुक देगा और धीरे धीरे ड्राई होगा, बिल्कुल लिप्स को स्टिकी नहीं करेगा।
आई रियली लाइक दिस कलर. इसका मतलब फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है. लिप्स में ऐसा लगता नहीं है कि आप कुछ लगाए हो करके, और ये बहुत अच्छा लाइक 6-7 आवर्स आपका चलेगा. और ज़्यादा अक्सर आप री अप्लाई नहीं करोगे, जो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है. सो दिस इज़ माई 4th बेस्ट लिपस्टिक. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम एस्टे लाउडर एंड इसका नाम है प्रूवन इनोसेंट 200. आपको इसकी कलर मैं दिखा दूं, ये काफी ज्यादा पिंक वाला न्यूड लिपस्टिक है जो मुझे पसंद है बहुत ज्यादा. यार कहाँ पे लगाऊं अभी, देखो चलिए मैं इधर ही दिखा देती हूँ. ये मुझे बहुत पसंद है ये कलर. सो यस, आई रियली लाइक दिस कलर. ये अगेन मेरी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक में से है, इसीलिए 4th नंबर पे है. एंड इसके बारे में क्या बोलूँ, ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा है. ये टिकता है बहुत अच्छा, लाइक 5-6 घंटे तो आपके लिप्स में रह ही जाएंगे, और ये अच्छा लुक भी देती है आपको. सो कमिंग टू माई 3rd बेस्ट लिपस्टिक, दिस इज फ्रॉम मैक और इसका नाम है चैटरबॉक्स एम्पलीफाइड लिपस्टिक. आई विल शो यू द कलर. ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था अपनी शूट में भी, जब मैं यूज़ कर रही थी तो इसी कलर को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही थी. तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मैसी हो गया है, बट स्टिल मैं उसका प्रॉपर केयर लेती हूँ. और इतू सा बच्चा है, इसकी फ्रेग्रेंस लाइक अमेजिंग अमेजिंग. मन करता है खा लूँ मुझे मैं ये लिपस्टिक. वाओ. सो अभी इसका कलर दिखा देती हूँ आपको. पहले सी गाइज, दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक फॉर मी. मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन ये मेरी एक बहुत ही अच्छा वाला खरीदारी है. एक्सपेंसिव बाय में ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. और आगे चल के अगर मेरा ये लिपस्टिक खत्म भी हो जाता है तो मैं इसे ऑफकोर्स रीपर्चेज करूंगी. सो कमिंग टू माई 2nd बेस्ट लिपस्टिक, वो भी बहुत ज्यादा यूज लिपस्टिक है, शायद ऑलमोस्ट वो खत्म होने को है. ऐसा एक प्रोडक्ट या फिर लिपस्टिक बोलो जो मेरा खत्म होने वाला है, और वो लिपस्टिक है दिस वन. दिस इज फ्रॉम पेसिस कैनेडा अल्टीमेट प्रो SD लिपस्टिक. ओके, दिस इज इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर, और इसका नंबर है, ओके द नंबर इज 08 नियरली न्यूड. मुझे जब ये पहले लॉन्च हुआ था तो अच्छा दिखा था इसलिए ले ली थी. इसकी पैकेजिंग अच्छा दिखा था, कलरफुल था तो इसलिए ले ली थी. लेकिन इसे यूज़ करने के बाद मैं इसकी फ़ैन बन गई हूँ, ट्रस्ट मी. और आपको ये दिखाती हूँ कि कितना मैंने ख़त्म किया है, इतना ही बचा है पूरा सी. और इसकी कलर मैं दिखा दूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक. मैं इसे बहुत यूज की हूँ, बहुत मतलब ये मेरी डेली लाइफ में, मेरी पर्स में ऐसे ही होता है फॉर श्योर. इसे आप खा लो, कुछ भी कर लो, मतलब फेस वॉश भी कर लो, ये नहीं छूटने वाला है. एंड आई रियली लाइक बिकॉज इसमें प्राइमर भी है तो आपकी लिप्स को वो उतना ज़्यादा डल नहीं करेगा आगे जाके, या फिर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी लिप्स के लिए वो ख़राब नहीं है. इट कॉस्ट यू अराउंड 800. प्राइस के हिसाब से ही मैंने इसे 2nd में रखा है, अदरवाइज कुछ नहीं है. ये मैं शायद अगेन अभी 2-3 महीने के बाद इसे मैं खरीदने वाली हूँ, और एक बार
एंड मेरे हस्बैंड खुश होंगे बाय द वे कि चलो तुम्हारा एक तो लिपस्टिक खत्म हुआ और तुमने बताया कि मैं खत्म हो चुकी है, मुझे खरीदना है बिकॉज मेरी लिपस्टिक खत्म नहीं होती है। सो गाइज टाइम आ गया है मैं अपनी बेस्ट न्यूड लिपस्टिक को आपको दिखाऊं। वो एक्चुअली बेस्ट न्यूड लिपस्टिक ही नहीं है, मेरा पूरा लिपस्टिक कलेक्शन में वो सबसे बेस्ट है। मैं आंख बंद करके उसे कहीं भी लगा के जा सकती हूँ और आप देखना चाहोगे। दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। वेट एंड वाइल्ड मेगा लास्ट लिक्विड लिपस्टिक है ये। इसकी कलर, इसकी टेक्सचर, इसकी पिगमेंटेशन, इसकी फॉर्मूला सब द बेस्ट है और इसकी प्राइस भी द बेस्ट है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 350 to 400। इन जनरल उसका प्राइस रहता है 499। लेट मी शो यू द कलर। मैट होने के बाद आपको वो स्टिकी स्टिकी फील भी नहीं होगा लिप्स में, ऐसा लगेगा आपने कुछ नहीं लगाया है। और आपको दैट्स इट सी, दिस इज कोरल करप्शन। मैं तो बोलूंगी आप एक बार इसे ट्राई करो और आप इसके फैन बनने वाले हो यार। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोज एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स, मतलब 2200-3000 में खरीदने का क्या मतलब बनता है जब आपको 400-300-400 में इतना अच्छा लिपस्टिक मिल रहा हो तो। सो गाइज आई विल से नॉट गो फॉर दोज एक्सपेंसिव बाय। अगर आपको कलेक्ट करना पसंद है ठीक है, आप एक दो ले लिए वो डिफरेंट है, लेकिन आप ऐसे 2000-3000 का सोचते हो दैट इज द बेस्ट लिपस्टिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज ऑल्सो द बेस्ट लिपस्टिक। और आपको दिखाई मेरी रेंजेस में भी है 3000 के लिपस्टिक, लेकिन नंबर वन यही है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर मुझे हाईली रिकमेंड करना है कौन सा भी लिपस्टिक को, आई विल रिकमेंड दिस, यूज दिस वन। एंड आफ्टर दैट आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को भी कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है, तो आप सबको ही खरीद सकते हो। कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए भी ठीक है, ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए भी ठीक है, ऐसे मतलब जो वीडियोज भी बनाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। So that's all in my video and I hope you will like this video. अगर आपको पसंद आता है ये video तो like का button press करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे share कीजिए। अगर किसी को helpful हो गया तो अच्छी बात है। And please subscribe my channel and please click on that bell icon so that मैं ऐसी videos जब डालूंगी तो आपको notifications मिलेगा। See you in next video. Till then, bye bye, be good, be positive and keep loving me. Bye.